हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाई एकेडमी के इस फिजिक्स के लेक्चर में। मैं योगेश अग्रवाल आज आपको डिफरेंट कंपटीशन में होने वाले जो क्वेश्चंस हैं, आने वाले क्वेश्चंस, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स में बताने वाला हूँ, और वो भी मोशन नाम के इस चैप्टर से। राइट, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में मोशन के कॉन्सेप्ट। फिजिक्स मोशन। अच्छा स्टूडेंट, आपको एक बात कायम की याद रखनी है, हमेशा ही याद रखनी है कि ये जो चैप्टर है मोशन, इट इज वेरी वेरी यूजफुल और इम्पोर्टेंट चैप्टर एज फार एज अवर लाइफ इज कंसर्न एज ए स्टूडेंट इन फिजिक्स, क्योंकि इसके ऊपर ही बहुत सारे और चैप्टर बेस्ड हैं। जैसे मोशन के ऊपर लॉज ऑफ मोशन, उसके ऊपर वर्क पावर एनर्जी, उसके ऊपर ग्रेविटेशन, ये सब में ना मोशन के फंडामेंटल्स का यूज होता ही है। इसके लिए जरा आप ध्यान से देख लेना इसको। राइट, देखते हैं। इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, एक स्केलर और एक होते हैं दूसरे प्रकार वेक्टर। हालांकि तीसरा प्रकार टेंसर भी है, लेकिन वो अभी इसके स्कोप से बाहर ही समझिए। फिलहाल स्केलर और वेक्टर। स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड एज वेल एज प्लस डायरेक्शन, ये दोनों भी चीजें होती हैं। स्केलर के एग्जाम्पल के तौर पे हम डिस्टेंस, मास, टाइम, ये एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जबकि वेक्टर्स में डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स, ऐसी कई क्वांटिटी आपको मिलेंगी। हालांकि इसमें वेलोसिटी भी है, यहाँ पे स्पीड भी है। राइट, तो ये सब दो प्रकार की क्वांटिटीज में आपने याद यही रखना है कि वेक्टर्स हैं तो डायरेक्शन की बात जरूर होनी चाहिए, स्केलर में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है, स्केलर जो क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर, इनको हम एल्जेब्रिकली जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, और जबकि वेक्टर्स को हमें वेक्टरिकली ऐड करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर अपन बोल रहे हैं कि हमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस 5 किलोमीटर और वापस से किया, तो टोटल हो गया 10 किलोमीटर। इस तरीके से एडिशन स्केलर क्वांटिटीज का हो सकता है। वेक्टर में ऐसा नहीं होगा, हमको बताया जाएगा 5 किलोमीटर हम ईस्ट में गए, फिर 5 किलोमीटर हम नॉर्थ में गए, तो बताओ टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टोटल कितना कवर किया हमने। तो 5 किलोमीटर ईस्ट में, फिर 5 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ में, तो ये 5, ये 5, तो ये टोटल हमें निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता ही होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो इट बिकम्स 25 50, और दैट इज 5√2, ये आपको आंसर आएगा। और वो किस डायरेक्शन में, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो इसका डायरेक्शन हुआ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप जैसे स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट ऐड कर पाते हैं, वेक्टर्स को हम डायरेक्शन के हिसाब से फिर से हमें कैलकुलेट करके ही एडिशन करना पड़ता है, ये मेन चीज है। राइट, चलिए अब हम तुरंत मोशन के जो अपने कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर ही वेक्टर और स्केलर को भी ध्यान में रखते हुए हमने पढ़ना है। तो मोशन के जो कॉन्सेप्ट है वो जल्दी से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको। सबसे पहले आता है जैसे रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, तो ये होता है रेस्ट में। अगर मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, अब रेस्ट का मतलब समझ गए होंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल रहा नहीं, अब जैसे मैं हूं यहां पे खड़ा हूं, तो इस दीवार से मेरी डिस्टेंस फिक्स है, उस दीवार से फिक्स है, बोर्ड से भी मैं कुछ इंच पे खड़ा हूँ, ऊपर भी फिक्स है। अब मैं यहीं पे अगर एज इट इज खड़ा हूँ, मेरे अंदर यानी मेरे बॉडी का कोई मूवमेंट इधर उधर नहीं हो रहा है,
देन आई कैन बी टर्म्ड एज इन रेस्ट, मैं रेस्ट में हूँ। और अगर मैं ऐसे ऐसे थोड़ा मूव कर गया तो फिर मैं मोशन में हो गया, मूव कर गया मोशन में हो गया, मूव कर गया मोशन में हो गया, आगे बढ़ गया मोशन में हो गया, क्योंकि मेरी पोजीशन बदल गई बोर्ड से, मेरी पोजीशन इधर उधर से भी बदल गई। इसलिए ये रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए। मोशन क्या है? इफ ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, then it is called in motion. तो उसको मोशन में कहेंगे। ए कार इज मूविंग ऑन द रोड, मूविंग है बिकॉज वो हमसे दूर जाती दिख रही है, हमारे पास आती दिख रही है, उसको मोशन कहते हैं, राइट। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं, हमें दो तीन चीजें पढ़नी होती हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस का, और उसके बाजू में ही दूसरा कॉन्सेप्ट इससे मिलता जुलता ही है डिस्प्लेसमेंट का। कुछ बच्चे इन दोनों में कभी कभी कंफ्यूजन कर देते हैं, दोनों एक ही बात समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड को, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया, चाहे वो इधर गया उधर गया किधर भी गया और वापस आ गया हो, तो भी टोटल लेंथ जितना भी उसने मूवमेंट किया उसके सबकी लेंथ को हम टोटल करके टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हैं, राइट। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया ऐसा, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो डिस्टेंस इज 8 मीटर। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को क्या कैसा अगर निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या है? The minimum distance, the minimum distance between initial and final position, initial and final position of the object is called displacement. उसको डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। अब यहीं पे अगर अपन डिस्प्लेसमेंट गेट करना चाहें तो कितना हो गया? इनिशियली तो यहां से शुरू किया तो उसने ए से और बी पे खत्म किया, तो बस ये डिस्टेंस माप लो, और ये डिस्टेंस मान लो 3 है, तो डिस्टेंस हो गया 8, 2, 2, इधर से गया ना वो ऐसे गया और यहाँ आकर रुक गया यहाँ पे बी पोजिशन पे, तो डिस्टेंस 2 2 2 2 4 8। अब डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। और यहाँ हमें डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी ए टू बी, यहाँ पे डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपने याद में रखना है। ये वैसे बहुत इनिशियल बात है, लेकिन चूंकि हम थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़े थोड़े टर्म्स को याद रखना ही पड़ेगा, राइट। इसके अलावा इसमें डिफरेंस ये समझ सकते हैं, डिस्टेंस जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है सो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, इंसान ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत भी कहीं भी मूव किया तो एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती, राइट। और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब आप सोचोगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकती है, तो देखिए यहाँ पे मान लो अपन खड़े हैं, कोई इंसान खड़ा है ये यहाँ, अभी पहले वो इधर गया 2 मीटर, फिर और गया 2 मीटर, और फिर वापस आया 6 मीटर। तो इधर जाने वाली वैल्यू पॉजिटिव, इधर जाने वाली वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन है ना। अब यहाँ पे अगर अपन टोटल ऐसे उसने सोचा, यहां से गया पहले यहां तक, ओ से गया ए तक, ओ से ए तक, फिर ए से बी तक आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, तो डिस्टेंस कितना आया? 2 2 4 4 और 6 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एस एरो से, उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, एरो मतलब डायरेक्शन लगा रहे हैं। तो अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, देखिए यहां से लेके यहां तक आया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, सिर्फ यहां
तो ये देखो ना, ये पॉजिटिव पकड़ी है डायरेक्शन, ये नेगेटिव पकड़ी है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर हो गया, और वो भी कैसा, नेगेटिव, तो हम कह सकते हैं -2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज -2, राइट। या फिर 2 ही लिखना है ना अगर आपको, तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2 मीटर बैकवर्ड डायरेक्शन। जो नेगेटिव साइन है ना, वो बैकवर्ड डायरेक्शन को शो करता है, रिवर्स, इनवर्स, उल्टी, अपोजिट, कुछ भी कहिए, उल्टी या अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। तो इस तरह से डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इन बातों को याद रखिए, डिस्टेंस को का यूनिट मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर ही है। दूसरी इसमें क्वांटिटी जो पढ़नी चाहिए वो होती है स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो थी, ऐसे स्पीड और वेलोसिटी है। स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है। आपको यूनिट पे विशेष ध्यान देना है, ये SI यूनिट कहलाते हैं, राइट। स्पीड का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट वाइज लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, मतलब स्पीड को हम ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, मीटर पर सेकंड, राइट। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के बारे में क्या कहना है वो समझ लें। यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम था, यहाँ पे डिस्टेंस इन डायरेक्शन, ऐसा कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विद यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम चाहिए। और यहां पे आपने देखा क्या, हमने क्या लगा दिया इसमें, डायरेक्शन, डिस्टेंस विद डायरेक्शन, डिस्टेंस विद डायरेक्शन मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, राइट। तो इसको वेलोसिटी वेक्टर है, तो इसको शो कैसे करते हैं अपन, वेक्टर है, वी की तरह ही शो करेंगे, लेकिन वेक्टर होने से यहाँ पे एरो लगा देंगे, और डिस्प्लेसमेंट है तो एस के ऊपर एरो, टाइम तो स्केलर ही होता है, और इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही होगा, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो ये रहा स्पीड और वेलोसिटी का। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यही होता है, ये होता है एक्सीलरेशन, कहते हैं जिसको हम एक्सीलरेशन। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सीलरेशन का मतलब यही है, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, ये ए है, ये बी है, यहाँ तक गया ऐसा, यहाँ पे अगर वेलोसिटी यू थी, यहाँ पे वेलोसिटी वी थी, और टाइम लग गया टी, तो फिर एक्सीलरेशन ए विल बी इक्वल टू वी माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे यूनिट निकालना चाहे तो ऊपर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, नीचे टाइम है तो सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब ये इसका मतलब क्या होता है एक्सीलरेशन का, याद रखिए कि यहाँ पे वेलोसिटी मान लो उसकी 5 मीटर पर सेकेंड थी, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ चेंज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो देखो ना, चेंज इन वेलोसिटी हो गया, और चेंज इन वेलोसिटी हो गया तो उसके जो भी टाइम तो लगेगा ही, कुछ ना कुछ टाइम से डिवाइड करके हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन का मतलब ये, एक्सीलरेट, आपने स्कूटर मोटरसाइकिल में दिखा हुआ एक्सीलरेटर होता है, अरे एक्सीलरेटर दबाओ, एक्सीलरेटर घुमाओ, तो जैसे ही स्कूटर या बाइक में हम एक्सीलरेटर घुमाते हैं, हमारी स्पीड बढ़ जाती है,
एक्सीलेटर कम करते हैं, स्पीड हमारी कम हो जाती है, राइट। तो उसका मतलब ये है, चेंज इन वेलोसिटी करना है, एक्सीलरेटर करना पड़ेगा, और उसी टर्म से बना है एक्सीलरेशन, फिनोमेना है एक्सीलरेशन के, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अच्छा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट बात यह है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ए से बी तक चला गया, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो कहीं डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैं खास बात वही लिखना चाहता हूँ जो आपको याद है ना, ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और स्पीड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। राइट, तो ये बात स्पेशली आप याद रखिए। तो कुछ टर्म्स आपको अभी तक रिवीजन के तौर पर समझ में आए होंगे, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं जिनका कि कंपटीशन में कई बार कंफ्यूजन के लिए आपके पास रखे जाते हैं, और उसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज होकर गलती कर देते हैं। जानते सब हैं ये सब बातें, लेकिन पता नहीं एग्जाम में, खासतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनसे गलती हो जाती है। उसके लिए मैं आपको और कुछ टिप्स भी बताने वाला हूँ। पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, क्वेश्चन देख सकते हैं अपन का। तो हमारे पास कितनी चीजें होंगी, देखो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हम शो करते हैं एस से, डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं एस के ऊपर एरो से। फिर हमारे पास हो गया स्पीड, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात हो गई वेलोसिटी, जिसे हम वी के ऊपर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी बात हमारे ऊपर, हमारे पास एक्सीलरेशन हो गया, और जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट, एक्सीलरेशन। तो इन सब बातों का हमें याद, हमेशा ध्यान में रखना है कब कौन सी चीज अप्लाई होने वाली है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक बात आती है, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है कि देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ने ऐसे ट्रेवल किया 5 मीटर इन 2 सेकेंड, फिर से और 5 मीटर 2 सेकेंड, फिर से और 5 मीटर 2 सेकेंड, तो इस तरीके के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो क्या कहें यूनिफॉर्म मोशन के लिए, क्या कहें? इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन मोशन इज कॉल्ड एज, मोशन इज यूनिफॉर्म। राइट, तो इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा? इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल और अनइक्वल टाइम, देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब कुछ बच्चे आप में से ये वीडियो देखते समय सोच ही रहे होंगे कि
कि ये सब हमको तो ठीक से पता ही है, वापस पढ़ने की शायद जरूरत नहीं। लेकिन यही हमसे गलती हो जाती है, हमको कॉन्सेप्ट को बार बार समझना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय भूल जाते हैं। इसके लिए आपके सामने ये सब है, तो इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो एक बार देख लेते हैं। ये देखो डिस्टेंस ये है और टाइम ये रहा, यहाँ पे जीरो जीरो है फिलहाल, जीरो डिस्टेंस जीरो टाइम। अब 5 मीटर चले 2 सेकेंड में, 5 मीटर 2 सेकेंड। अब यहाँ तक 10 मीटर हो गया ना, ये देखो फिर 10 मीटर उसको टाइम कितना लगा, 2 और 2 4 सेकेंड। फिर यहाँ से अब 15 मीटर हो गया और टाइम 2 2 2 6 सेकेंड। तो देखो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम है क्या, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 5 और टाइम लगा 2, यहाँ से यहाँ तक 5, 5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक टाइम फिर से 2, 5 मीटर फिर से 2। तो इक्वल डिस्टेंसेज हैं, 5 5 5, इक्वल टाइम लग रहा है उनको, 2 2 2 सेकेंड। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, राइट। अच्छा यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें यही एग्जाम्पल को, तो यहाँ डिस्टेंस यहाँ टाइम, जीरो पे तो जीरो है, यहाँ पे 5 मीटर चले 2 सेकेंड लगा, फिर यहाँ पे 15 मीटर चले 4 सेकेंड लगे, और यहाँ पे 35 मीटर चले और 6 सेकेंड लगे। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमने दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लिया। देखो डिस्टेंस कितना 5 मीटर, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, यहाँ डिस्टेंस कितना चले 10 मीटर, 5 से 15 में 10, तो अब बदल गए, और जबकि टाइम है 2 सेकेंड। लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ से 20 मीटर चले, लेकिन यहाँ से टाइम 2 मीटर है, तो पहले 5 मीटर को 2 सेकेंड, लेकिन दूसरे 10 मीटर को भी 2 सेकेंड लगे, तीसरे 15 10 से भी ज्यादा, यानी 5 से 10 में सिर्फ 5 चेंज आया था, 10 से 20 में डबल चेंज आ गया, फिर भी हमको 2 ही सेकेंड लगे। इसका मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल, दिस इज द केस ऑफ कुछ भी अनइक्वल हुआ इधर या उधर, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, राइट। चलिए तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपने सीखी हैं अभी, इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका ग्राफ एक बार देखते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। यहाँ पे है डिस्टेंस मीटर में, यहाँ पे है टाइम सेकंड में, और अगर हमारे पास जीरो है और ऐसा स्ट्रेट लाइन आया तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। ये याद रखिए, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, कौन सा भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन होगी ऐसा नहीं कह सकते, सिर्फ डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। इसी तरह से अगर अपन एक और ग्राफ बनाए, यहाँ पे भी डिस्टेंस है मीटर में, यहाँ पे टाइम है सेकेंड में, और अगर ग्राफ ऐसा आ गया तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो फिर ये कैसी मोशन हो गई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। राइट तो इन बातों को याद रखिए, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ के लिए हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर तुमको कोई दूसरा ग्राफ दिया गया है तो भी कोई चिंता नहीं, आप उस दूसरे ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लीजिए पहले, राइट। और उससे अगर वो स्ट्रेट लाइन आया, कैसी भी स्ट्रेट लाइन आई, तो फिर वो एक यूनिफॉर्म मोशन है, अगर वो कर्व आया तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। बना लीजिए, आप इसको नोट भी कर लीजिए साथ के साथ।
अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या है, ट्रिक कहिए या रूल कहिए, रूल फॉर फिजिक्स न्यूमेरिकल। वो रूल क्या है, सबसे पहले आपने नोट द डेटा, नोट द डेटा गिवन, नंबर टू चेक द यूनिट्स, और आपको क्या करना है, ऑल यूनिट्स शुड बी टेकन इन सिमिलर सिस्टम। मतलब अगर ऐसा ही सिस्टम है, ऐसा ही यूनिट्स हैं, तो सारे ऐसा ही में होने चाहिए, सीजीएस हैं तो सारे सीजीएस में होने चाहिए, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। अप्लाई अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला एंड फाइंड द आंसर। राइट, तो ये बेसिक्स कुछ बातें आपको मैंने बताई हैं, दूसरी और भी बातें बतानी हैं, लेकिन वो अगले लेक्चर में ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।